हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिक्स जोन में। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कि व्हाट्सएप की तरह इमोजी वाला PNG टैग कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। तो दोस्तों, बेल आइकन दबाने से जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसे देखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, व्हाट्सएप इमोजी PNG बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूसी ब्राउज़र पे जाना होगा, उसके बाद गूगल पे जाना होगा, उसके बाद इमोजी आल PNG टाइप करके डाउनलोड करना होगा उस इमेज को। इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको फुल साइज इमेज यहाँ पर ऑप्शन ऊपर आ रहा है, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे इस पर ओपन करना है। तो उसके बाद ओके करके इसको डाउनलोड कर लेना है। देन इसके बाद आपको पिक्सार्ट को ओपन करना है। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद नीचे आपको प्लस बटन पे जाना है, फिर उसके बाद आपको ड्रॉ बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्रिएट न्यू पे ऑप्शन आ रहा होगा इसको। उसके बाद दोस्तों, आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर लो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे राइट साइड पे लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस लेयर को डिलीट कर दो। इस लेयर को डिलीट करने के बाद यहाँ ऊपर प्लस बटन पे जाना है, MPT लेयर को सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों, नीचे पेन वाले बटन पे जाना है, उसके बाद कलर को चूज़ करना है। फिर दोस्तों, इस पर ड्रा करने के लिए सर्कल पर जाना है। उसके बाद यहाँ से हम अपना स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इसकी नीचे से ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, फिर से ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद MPT लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर उसके बाद इमोजी को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, काट कर ये मेरा इमोजी सेलेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद मैं इसको टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट बिंदु दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रांसफार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रांसफार पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद इसको टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, टिक कर दिया। उसके बाद आपको री ओपन करना है पिक्सार्ट को, फिर उसके बाद आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको वही वाला इमोजी जो हमने सेव किया था उसको फिर से ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना नेम टाइप करना है। तो यहाँ टेक्स्ट कोई सा भी नेम आप टाइप कर सकते हो, तो मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम इनपुट कर देता हूँ। फिर उसके बाद इनपुट करने के बाद इसको मैं डन कर ले रहा हूँ, डन कर लेता हूँ मैं इस तरह से। डन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे जाऊँगा क्योंकि मैं अपना एक कस्टम फॉन्ट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना माई फॉन्ट से मैं अपना कस्टम फॉन्ट डाउनलोड किया हूँ पिक्सार्ट की फ़ाइल में। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। एक आध ये वाला सही नहीं लगेगा, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला ये परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं टिक कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, मैं इसको गैलरी में सेव कर लेता हूँ, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों, मैं फिर पिक्सार्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एडिट करके यहाँ से मैं अपनी फ़ोटोज़ चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं ऐड फ़ोटोज़ पे जाकर अपना जो इमोजी था उसको ओपन करके इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था।